दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने लैपटॉप एचपी डी वाई 3008 AU को अपने एमआई एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट करने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा होगा कैसे मैंने वीजीए को एचडीएमआई में कन्वर्ट कर दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं जो ये टीवी है उसमें एचडीएमआई आउटपुट है, ठीक है। तो हमें बस एक एचडीएमआई केबल जरूरत पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह का होता है। एचडीएमआई मेल टू मेल केबल है ये दोनों साइड कुछ इसी तरह का होता है। और एचडीएमआई केबल का फायदा ये है कि इसमें कोई ऑडियो केबल की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऑडियो और वीडियो दोनों का काम करता है। तो आइए, जैसे यहाँ आप एचडीएमआई 1 देख रहे हो, ये इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैं कनेक्ट करूंगा वैसे वो शो करने लगे कि एचडीएमआई 1 में कुछ आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कनेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ मैं इसे जैसे कनेक्ट करता हूँ मेरी स्क्रीन वहां पहुंच जाएगी उस टीवी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पे HDMI 1 में भी कुछ आने लगा, ठीक है। मैं इसे जैसे ही ओपन करता हूँ रिमोट से, ये मेरी टीवी को शो करने लगेगी। टीवी बोला हूँ मैं लैपटॉप को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेरा लैपटॉप में भी यही स्क्रीन है, यहाँ भी यही है। थोड़ा दूर से दिखा दो तो और बढ़िया लगेगा। मैं जो ऑडियो की बात करते हैं, ऑडियो में भी इससे ऑडियो भी ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों ज्यादा मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाएगा। तो एचडीएमआई बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए आज के जो भी टीवी होते हैं या फिर जो भी लैपटॉप होते हैं उसमें बस एचडीएमआई आउटपुट होता है, वीजीए आउटपुट नहीं होता है। क्योंकि वीजीए में बस वो मतलब वीडियो को ट्रांसफर करता है, ठीक है, ऑडियो ट्रांसफर नहीं करता है। और एचडीएमआई में ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रांसफर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 मिनट का या 3 मिनट का ये वीडियो बनेगा, इसमें आपको ये चीज क्लियर। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया फिर कुछ और दिक्कत आपके अपने कंप्यूटर में तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। देखते हैं मैं चैनल यूनिटेक, धन्यवाद।